ऑलराइट है गाइस, अनदर ब्यूटीफुल विंटर मॉर्निंग इन जापान। आज है मेरा day 4 और मेरे पैरों की हालत बहुत ख़राब है। मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ लिटरली। मुझे लगता है मैंने ना अपने आप को ज़्यादा पुश कर दिया इन 3 दिनों में। और दूसरा रीज़न ये भी है मे बी कि मेरे शूज़ बहुत टाइट हैं, तो आज मैंने एक दूसरे शूज़ लेने वाला हूँ डेफिनेटली। भाई ये देखो, मेरे ये वाला जो पैर है ना, इसकी हालत ख़राब हो रखी है, स्पेशली हील्स के वहाँ से मैं लिंप कर रहा हूँ लिटरली। और आज पूरे दिन ट्रैवल करना है फिर से। कैसे भाई, या तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन का ब्रेक ले लूँ, केमिस्ट वगैरह के पे चला जाऊँ, यहाँ पे बहुत सारे हैं, और उधर से ना वो स्प्रे ले लूँ पेन वाला। करना पड़ेगा मेरे को ये सब। ये देखो ये लिखा हुआ है आताकाई ओताकाई, पता नहीं पर इसका मतलब गर्म है। ये है सुमेताई, ये ठंडा होता है। ठीक है, हाँ गर्म है, सही है। हाथों की ऐसे कड़की जम रही है ना, बहुत ही गंदी ठंड हो रही है और धूप निकल रही है जबकि। ये देखो ये मेरा होटल है, यहाँ पे सब कुछ कितना एडवांस है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। बस कीज़ दे देते हैं तुम्हें, अपने वहाँ लगाओ और आ जाओ, एंटर कर जाओ। लिटरली कोई नहीं है रिसेप्शन पे, यहाँ ज़्यादातर कोई रहता ही नहीं है। प्लान चेंज, मैं नहीं जा रहा बाहर, बहुत हालत ख़राब हो रही है। ठंड तो है ही है, लेकिन मेन चीज़ है पैर बहुत पेन कर रहा है। मैं पहले केमिस्ट वगैरह के जाऊंगा। पैर को देख के ना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब ये ऊपर नीचे ऐसे स्लिप होता है ना शूज पे, बड़ा दर्द होता है। ये पूरी हड्डी दर्द कर रही है अंदर की। बिल्कुल घर की चाय लग रही है, तो वही है, सेम टेस्ट है। प्रॉब्लम समझ आ गई मेरे को, शूज आर द प्रॉब्लम। मैं वैसे चल पा रहा हूँ, मैं वही सोच रहा यार, मैंने कहा मैं बाथरूम भी गया हूँ, मैंने नहाया वगैरह सब कुछ है, तब तो पेन फील नहीं हुआ, जूते पहनते ही पेन हो रहा है। भाई प्रॉब्लम शूज़ में है, वो बहुत टाइट है आई थिंक मेरे लिए। मेरे को स्लीपर्स वगैरह का जुगाड़ करना पड़ेगा या फिर कम्फर्टेबल शूज़ खरीदने पड़ेंगे अगर ट्रैवल कंटिन्यू करना है तो, क्योंकि दूसरा पैर बिल्कुल ठीक है मेरा, इसी पैर में पता नहीं क्या आग लग रही है। देखो भाई ये स्प्रे लिया है, ये स्प्रे 2000 yen का पड़ गया मेरे को, लेकिन भाई ले लिया मैंने। वो टैबलेट दे रही थी, वो मेरे को खाना नहीं है, स्प्रे पे थोड़ा सा ट्रस्ट है। स्प्रे लगा के 2-3 घंटे बैठूंगा, वैसे भी 11 बजे के आसपास दुकानें खुलेंगी, फिर थोड़ा फूड वगैरह खाने चलेंगे। चलेंगे क्या, कोई तो मेरे साथ है नहीं, मैं अकेला ही हूँ। ओह भाई बहुत ठंडा है ये तो। ये कॉफ़ी ख़रीद के लाया हूँ, मेरे को कॉफ़ी अच्छी तो नहीं लगती, अगर ये मीठी हुई ना मज़ा आ जाएगा। हाँ हाँ सही है, मीठी मीठी सी है, मेरे को यार वैसी कड़वी वाली पसंद ही नहीं है। अरे भाई उन्होंने स्लिपर्स तो दी, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इतनी छोटी और पतली होंगी, लाइक ये ना अंदर ऐसे रूम वगैरह में घूमने के लिए है। मुझे बाहर जाना था, न्यू शूज़ लाने थे, अब इनमें यार चला नहीं जा रहा भाई। उस स्प्रे ने थोड़ा सा काम किया है लेग्स पे, लेग्स थोड़ी सी वर्क कर रही हैं। बहुत ही गंदी विंड चल रही है, कि टोक्यो के वेदर को क्या हो गया मेरे भाई। मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे शूज ले लूँ, यार पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, बस ये पैरों के दर्द ना हो चलते वक्त। वाताशी नो आशी कुबी का इताई देस चौथो मारते ने अनो スリッパでもいいですし、靴でもいいですし、どっちでもいいです。わかりました。ただサイズが何センチぐらいですか？はい。भाई ये बोल रहे हैं स्लीपर या शूज कुछ भी चलेगा, बट साइज はい。スニーカーだと29センチから。サイズはここで十分履けると思う。29センチで。Can I try? うん、try please。भाई ये देखो क्या big ass shoes है ये。ये बहुत सही है, ये देखो मेरे नॉर्मल शूज से बहुत वाइड है, तो मेरी जो ये है ना ये टकरा नहीं रही पीछे को। ये सारे कलर्स हैं, इनमें से कोई चूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ ब्लैक वाले ले लूँ, भाई ब्लू ब्लैक का कम्बिनेशन अच्छा लग रहा है बहुत। भाई ये वाले शूज़ बहुत सही लग रहे हैं, बहुत मोटे हैं, वाटरप्रूफ भी हैं, वॉकिंग में बहुत सही हैं, मैं ट्रैवल कर पाऊँगा इससे। स्लीपर जैसा काम कर रहे हैं, स्लीपर भी ले लूँगा वैसे तो। भाई ये देखो ये स्लीपर क्या मैसिव स्लीपर है, बहुत बढ़िया भाई, क्या कंफर्टेबल, ओह माय गॉड आई लाइक इट भाई, बहुत सही लग रही है। इन शूज को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, मैं ब्लू वाले पहन रहा हूँ भाई, बहुत सही लग रहे हैं मेरे को। अरिगातो गोज़ाइमास, हाय हाय अरिगातो। कल भी दर्द हो रहा था, कल ही खरीद लेता तो ठीक था। पता है
अगर तुम्हें स्वीट ऐसे लोग मिल जाए ना, बहुत पूरा कोशिश करे हेल्प करने की, भाई नो वरीज, अगर थोड़ा महंगा भी पड़ रहा है तो तुम्हें स्पेंड करना ना वर्थ इट लगता है, पूरा वर्थ इट है टोटल। मेरा पेन चला गया, आई एम सो हैप्पी। अब बस मैं पहले होटल चला जाऊँ, ये रखा हूँ, उसके बाद भाई कुछ खाने चलते हैं। मैं ना महंगी चीज़ें बाय करता नहीं, मेरे को ऐसे पैसे उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मेरे को ऐसे बिग एस थिक एस शूज़ ना बहुत टाइम से चाहिए थे। भाई कितना ईजिली चला जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यार, वो शूज़ ही फिटिंग का पंगा हो गया। ऑल राइट, अभी मैं जा रहा हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि आज इंडियन खाना है, थोड़ा सा पेट भर के खाना है, नान वगैरह का बड़ा मन कर रहा है। बटर चिकन एंड नान, वन लस्सी प्लीज। मैं आज पेट भर के खाऊंगा, बहुत ऊट पटांग खा रहा हूँ 3-4 दिनों से। 2 degrees हो रहा है यहाँ का मामला, और वो लिटरली मेरे को बर्फ वाला पानी सर्व करके गया है। आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, बट या ये बटर चिकन नान देखो भाई क्या साइज है, मीठी है बहुत बढ़िया। जो सब्जी है ना वो थोड़ी मीठी सी है, लाइक मसाला वसाला नहीं है। ऑलराइट, खाना ख़त्म होने वाला है और मैं डिसेंट ही कहूँगा, क्योंकि ना मेरे को स्पाइसी खाना पसंद है, स्पाइस है ही नहीं, मीठी है सब्जी। जापनीज़ लोगों को यू नो स्पाइस सूट नहीं करता, तो इनके लिए मीठी बनाई जाती है। अब बटर चिकन है लेकिन मीठा है, तो तुम फीलिंग समझ रहे हो। लस्सी बढ़िया है, पर यार मैंने ये वाला कार्ड नहीं देखा, इसमें बिरयानी भी लिखी हुई है, वो स्पाइसी बनवा सकता था मैं। कैन आई गेट अ बिरयानी बट स्मॉल, स्मॉल बिरयानी। वी डोंट हैव स्मॉल, स्मॉल बिरयानी नहीं है, मेरे पेट में जगह नहीं है, नहीं तो मैं खा लेता। चटपटा चाहिए मेरे को, कुछ मसालेदार, यार वो मिस कर रहा हूँ मैं, 4 दिन हो गए मेरे को। एक तो ना मैंने एक्सपेक्ट भी तो नहीं किया ना कि मीठा आएगा, वरना मैं इनसे स्पेशली बोल देता अगर मेरे को पता होता कि भाई मेरे को स्पाइसी दियो कि बस मिर्ची लग जाए। मुझे नहीं पता था मीठा आएगा, मुझे लगा भाई बटर चिकन है, अब जैसा मैंने खाया हुआ है वही टेस्ट मेरे माइंड में था, मैंने कहा वही देंगे, इंडियन रेस्टोरेंट है। आई मीन यार फूड इंडियन है, लेकिन ये थोड़ा सा ना एडजस्ट किया हुआ है जापनीज़ लोगों के लिए, क्योंकि वही ज़्यादातर रेगुलर कस्टमर्स हैं। तो ये जो सलाद है ना, इस सलाद में भी वो अपने वाला मज़ा नहीं आ रहा, अपनी वाली सलाद होगा, अलग ही लग रहा है। तो खा के बाहर आ गए, अरेगा तो बहुत बोलते हैं यहाँ, लाइक 3-3, 4-4 बंदे चिल्ला रहे हैं जब मैं एग्जिट कर रहा हूँ, तो विच इज़ वेरी नाइस। फायर डिपार्टमेंट। अभी मैं जा रहा हूँ उएनो अकिहाबारा साइड, जो कि ओताकूज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेस है, देखते हैं वहाँ पे क्या दिखता है। ये देखो एक पाचिंको मशीन दिखी है, ये काफ़ी चलती है जापान में, अंदर जाके देखते हैं, मैं पहली बार देखूँगा इसे। पता नहीं गेमिंग है क्या है ये, अबे भाई भीड़ देखो, सब लगे पड़े हैं, कितनी चमक धमक है यहाँ पे भाई, दुनिया भर का शोर हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आवाज़ें ही आने लग रही है गंदे वाली, वो भी ₹1000 का नोट मैं डाल के वो सिक्के से खेल खाल के आ गया। 800 रुपये पता नहीं मैंने क्यों वेस्ट करे, पर मुझे समझ में कुछ नहीं आया। आई मीन थोड़ा बहुत तो आने लगा था, पर उसमें फ़न क्या है, वॉट एवर, ट्राई करना था। पाचिंको मशीन थी ये, बहुत चलती है जापान में भाई, लगे पड़े हैं लोग, भीड़ देखी तुमने, तुम बात तक नहीं कर सकते किसी से, दुनिया भर की पोंग पांग पिंग पोंग होन लग रही है, तो मैं तो बाहर आ गया भाई। ये देखो एक और पाचिंको मशीन, ये बहुत फेमस है जापान में फॉर सम रीज़न, लोगों को ये खटके दबाना बहुत पसंद है यहाँ पे। ये देखो भाई अभी मैं एंटर कर चुका हूँ अकिहाबारा, यहाँ पर किड्स कंटेंट से लेके अडल्ट कंटेंट तक, रिलेटेड टू एनिमे मांगा गेम्स कार्टून्स सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। वाओ सही में हर बोर्ड एनिमे से रिलेटेड है यहाँ पे। ये गंडम है यहाँ पे, ये ऐसे ये पीसेज में मिलेंगे, पजल की तरह तुम्हें ये बनाना होता है। ये वाली क्रॉसिंग देखो, ये भी शिबुया क्रॉसिंग से कम नहीं लग रही, चौखी बड़ी क्रॉसिंग है। ये एनिमे बोर्ड्स देख रहे हो सामने, ओताकू लोगों का हेवन बोला जाता है इस जगह को। ये देखो भाई जोजो फैंस, जोजो की गेम्स,
ये सब चीज़ें ट्राई करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। प्रेस करना है बस मुझे टाइमिंग पे। अभी क्या इससे क्या हुआ? क्यूट चीज़ें तो हैं पर बहुत बड़ा स्कैम है वो। नहीं आती कोई भी चीज़ हाथ में। ये देखो एडल्ट सेक्शन है ऊपर। मैं जरा मार के आता हूँ एक राउंड। मैं तुम्हें कुछ भी दिखा नहीं सकता लेकिन यहाँ पे सब कुछ बहुत ही हाइपर है। ए यो व्हाट द फक। लिटरली एनीमे के अलावा, गेम्स के अलावा कुछ और है ही नहीं। अभी मैं अडल्ट सेक्शन में होके आया और तुम जो चीज़ें इमेजिन कर सकते हो ना सब कुछ था वहाँ। कमाल की बात यह है कि किसी ने ना मेरे से पूछा, मेरी एज पूछी, कुछ भी नहीं पूछा। कोई भी ऊपर जा सकता है लिटरली। वेजिटा मेरा फेवरेट सुपर सैयन भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ऑप्टिमस प्राइम ये वही है? नॉट श्योर। हाँ वही तो है। फिगरीन्स बहुत सही लग रही है यार मुझे, देखना नरूटो सास्के क्रोकोडाइल। सीढ़ियां ही सीढ़ियां। सीडियाँ, मैंने आज तक एक भी सीडी नहीं खरीदी। मैंने PS4 PS5 में कोई भी सीडी से गेम नहीं चलाई अभी तक। या ऐसी गेम्स भी हैं यहाँ पे या कमी तो। वाओ ये देखो ज़रा। यप सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। oh, hell no, man. What the fuck, man? मेरे सामने देखो एक ये मेड कैफ़े भी है। ये पिंक पिंक लाइन है ना जो, पूरा मेड कैफ़े है भाई। ये वाली स्टोर लग रही है पूरी डाउन बैड ओताकुओं के लिए। ये देखो ज़रा गर्ल फिगरीन से इतनी छोटी छोटी मिनी स्कर्ट्स में। सॉन्ग भी ऐसा ही चल रहा है, फुल डाउन बैड लोगों के लिए ही जगह। ये क्यूट लग रहे हैं पर ये देखो, ये सबसे सिक रूप है वेजिटा का, माजिन वेजिटा। देखो उसकी नसें भी पॉप आउट हो रखी हैं फिगरीन में। ये चारिज़ार्ड देखो रखा हुआ है, कितना क्यूट लग रहा है। एंड सम मोर फिगरीन्स। ये फिगरीन्स बहुत चलती हैं भाई यहाँ। ये पिलोज वो जो होते हैं ना, वो बॉडी पिलो, उसके कवर से ये। ये देखो सैम्पल भी दिया हुआ है, ऐसा दिखता है ये। मैं सिर्फ टूर ले रहा हूँ, मेरा खरीदने का कुछ मूड नहीं है। मूड ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे को इनमें तो। बट यहाँ टूर लेने में मज़ा आ रहा है, नई नई चीज़ें दिख रही हैं। ये अपने इंडिया में ऐसी शॉप्स कहाँ हैं। ये देखो गंडम्स बोलते हैं इन्हें भी। हाँ आई थिंक ये जुड़े हुए हैं। देखो ये छोटे छोटे पीसीज ना टूट जाते हैं और फिर जोड़ के तुम ऐसे बना सकते हो अगर तुम्हारा पजलिंग शौक है तो। कितने सही लग रहे हैं ये भी। मैंने पीडीपाई को ये करते देखा है, उसे बहुत पसंद है ये ऐसे पजल वगैरह करके ये बनाना। पता नहीं भाई मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। ब्लू रे डीवीडीज और सारी मांगाज हैं। अपना पूरा सेट ले जाओ, घर पे पढ़ते रहो भाई बैठ के। भाई क्या क्या है भाई, क्या क्या रखा हुआ है, क्या चल रहा है? और ऊपर जा रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक सेक्शन और था जो व्लॉग में नहीं आएगा, लेकिन वो पूरा यू नो 18+ हेंटाई मांगा कलेक्शन वाला सेक्शन था। और वहाँ पे सारे वही लोग थे जो एनिमे में दिखाए जाते हैं ना, बिल्कुल डाउन बैड ओताकूस वही थे। फिगरीन्स क्या सही लगती हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। और ये मजाक नहीं, ये देखो ये कितनी क्यूट लग रही है। ये देखो ये एलियन आइसोलेशन वाला वो है, एलियन 8,000 yen ब्रो। लेकिन कितने हाई क्वालिटी फिगरीन्स लग रहे हैं। वो देखो लूफी का गियर 4। भाई ये जोजो की शक्ल थोड़ी अजीब नहीं लग रही, शक्ल मैच नहीं कर रही। 20,000 yen का है ये। होली शिट भाई बहुत सही है भाई, बहुत हाई क्वालिटी स्टफ है। इटाची देखो क्या सही लग रहा है।
देखो फिफ्थ वाली फ्लोर पे आर्ट होम कैफे है, मेड कैफे आई थिंक, एंड सिक्स फ्लोर पे आई ट्यूब स्टूडियो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये 18 प्लस है मे बी। देखो भाई ये बहुत शाइनी शाइनी सा है, वहाँ पे मेड गर्ल्स हैं जो लाइक वेलकम वगैरह कर रही हैं। ऑनेस्टली ये बहुत क्रिंज लग रहा है, तो मैं तो जा रहा हूँ। लो भाई तुम लोगों के लिए क्रिंज हैंडल कर रहा हूँ मैं। जा रहा हूँ जरा। यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, बट मैं फ़ोन से कर रहा हूँ तो उन्हें पता नहीं चलेगा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। या फोटोज़ अलाउड है बस, वो भी मील्स की। मैंने योमो राइस बाय किया है जिसपे ये लिखेंगे ऐसे लाइक जो भी मैं चाहूँगा। लाइक मास्टर हूँ भाई अभी मैं। भाई क्या हरकतें कर रहा हूँ मैं, ये देखो। पर एक्सपीरियंस तो लेना ही था। हेयर वी आर, बहुत सारी मेड्स है भाई, सबको एक एक बंदे को अटेंड कर रहे हैं वो। ये कॉकटेल बना के गई है वो मेरे लिए, और इसके लिए बहुत चोचले कर रहे हैं, उसने बाहर जाके बताऊँगा। एक कैट बनवाई है मैंने क्योंकि मेरे को कैट्स पसंद है, और ये बालक लिखवाया है उससे। ओमुराइस है ये एनिमे में भी ऐसे ही लिखते हैं ना, तुमने कई एनिमे में देखा होगा वो केचप से लिखते हैं, वही चीज़ है ये। ये है मेरा जो भी है। हाँ भाई देखो, मेड कैफे से तो आ गया मैं बाहर। वन ऑफ द क्रिंजीएस्ट एक्सपीरियंस था, बट देखो क्रिंजी तो था बट एक डिसेंट एक्सपीरियंस भी था। फर्स्ट टाइम था मेरा, बहुत ही यूनिक चीज एक्सपीरियंस करी है जो मैंने नहीं सोचा था मैं कभी करूंगा। ये कार्ड भी मिला है, दुनिया भर की मेड्स छपी हुई हैं इसमें, और एक फोटो इन्होंने दिया है एक मेरे को चॉपस्टिक। देखो अरे कहाँ गया, ये इंडिया और जापान छपा हुआ है, मतलब इसे हाची बोलते हैं चॉपस्टिक को जापानीज में, और हाची का मतलब ब्रिज भी होता है। तो वो बोल रही थी कि हम ब्रिज बनाना चाहते हैं जापान और इंडिया के बीच में, मतलब वही वो फीलिंग्स वाली बात हो गई कि कनेक्शन रखना ये वो। अब भाई इतनी क्रिंजी चीज़ें हुई ना, जब वो मेरी कॉकटेल बना रही थी, मेरे को भी करवा रही थी हरकतें, ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, मोई मोई, ये मोई मोई मतलब लव वव ये सब होता है, तो क्रिंजपना बहुत हुआ। आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस भी देखने को मिला है, लेकिन हाँ बहुत ये था कि अरे यार मेड से मत करवा, तो खुद कर ले। बात करूँ खाने और कॉकटेल की, तो ओमुराइस ठीक था, मतलब उस बेसिकली क्या होता है ना, राइस होते हैं और उसके ऊपर ना ऑमलेट की परत चढ़ाई गई होती है, और उस पर केचप लग गया था। भाई रात सी हो गई, शाम हो गई, यहाँ जल्दी रात हो जाती है। अभी मैं एक और पॉपुलर शॉप में जा रहा हूँ, सुपर पोटैटो नाम है इसका, थर्ड फ्लोर से शुरू होती है। देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। ओ वो दुनिया भर के पोस्टर्स, वेल प्ले स्टेशन, निंटेंडो, गेम बॉय, ये था मारियो में, नहीं ये स्प्लैश गेम का, ये तो मैंने कुछ लोगों को खेलते देखा है, बैटल रॉयल जैसी है भी थोड़ी सी। ये पुरानी गेमिंग साउंड क्या नॉस्टैल्जिया दे रही है भाई। ये देखो यहाँ पे सारी पुरानी गेम्स चल रही हैं। गेम मिकी माउस की गेम, आई डोंट रिमेम्बर मैंने ऐसा कुछ खेला है कभी। वीडियो गेम्स ही हैं ये सारी, डिस्क वगैरह सीडीज रखी हैं प्ले स्टेशन की। ये क्या है भाई, नकली बाल, हॉरर, क्या सीन है ये, कॉस्प्ले। ये मेरे टाइप का सेक्शन है भाई, यहाँ पे गेम्स हैं। ये वाली खेली है मैंने, ये याद है मुझे, ये वाली खेली है, इसमें स्ट्रीट फाइटर फाइनल फाइट। हाँ ये तो बहुत खेली है मैंने। ठीक है, उतनी फन नहीं लग रही सही बताऊं तो। बस भाई मेरा तो हो गया, मैं तो जा रहा हूँ नीचे। आई मीन मैं इतनी हाई ग्राफिक गेम्स खेल चुका हूँ कि अब ये खेलने में उतना मजा नहीं आता। सही है, हाथ वाथ चला लो थोड़ा सा, धड़ 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 कर लो, पर बहुत है। लाइक वो वाला नहीं है कि हाँ मेरे को लेवल पार करनी है, और वो वाला जोश ही नहीं है अब। इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है कि इस वाले की ना आदत थोड़ी सी हट गई है, इसका मूड नहीं करता अब ये खटके दबाने का। हेयर वी गो अगेन, मैं इस बार उस चारिज़ार्ड के लिए जा रहा हूँ। भाई पता कैसे चले वहाँ तक पहुँच गया, वो चारिज़ार्ड नहीं आएगा। यार ये तो बड़ा उधर को रखा हुआ भाई, कैसे आएगा वो? नो वे, कैसे आएगा वो चाहिए मेरे को। अब ये किसे चाहिए, ये पिंकिश।
भाई मैंने पहली बार बस ट्रेवल करी जापान में, मेरे को समझ ही नहीं आया। मैंने कार्ड तो लगा दिया स्टार्टिंग में, लेकिन फिर मैं एग्जिट के लिए पीछे आ गया और पीछे से ही एग्जिट हो गया। तो लाइक वो फेयर का बस को कैसे पता चला? लाइक मैंने कुछ गड़बड़ करी है? मेरे को क्या दोबारा कार्ड टैप करना था? समझ नहीं आया। मैंने आगे तो टैप करा, तुमने देखा, फिर मैं पीछे चला गया और पीछे से एग्जिट हो गई। वहाँ पे वो कार्ड लगाने वाला कोई सिस्टम था ही नहीं। कहीं अभी भी मेरा कार्ड चल रहा हो और पता चले सारे पैसे उड़ जाएं इसमें से। अरे अंधेरा हो रहा है। बाकी मैं अभी आया हूँ टीम लैब्स प्लैनेट टोक्यो करके एक जगह है। ये इल्यूजन वगैरह और लाइट और मिरर और ये सब का खेल है। लेट्स गो। दिख रहा है मेरे को सामने वो जो ऑरेंज ऑरेंज चमक रहा है ना, वहीं जाना है मेरे को। अबे इसमें से तो आवाज़ आ रही है भाई यहाँ से। टेक ऑफ योर शूज बोल रही है भाई। थोड़ा सा पानी लगा और टॉवल भी दे दिए भाई। अभी हम ये क्या भाई, ये पूरा गद्दे वद्दे से डाल रखे हैं। ओह ये तो वो है, क्या कहते हैं, अंदर वो जीरा वीरा सा भर रखा है इन्होंने। इसके लिए फ्लैश की भी जरूरत नहीं है। ओ भाई साहब ये तो बहुत ही बढ़िया है। वो ये तो बहुत ब्यूटीफुल है भाई। ओ भाई ट्रिपी है ये तो, बहुत है तो चक्कर दिला देगा। ये बहुत सही लग रहा है भाई। ये मिरर है नीचे, साउंड इफेक्ट्स भी बढ़िया दे रखे हैं। भाई ये ना बहुत ट्रिपी है और रियल लाइफ में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लाइक भाई शीशे ही शीशे हो रहे हैं, खो खाना जाए हम यहाँ। वो क्या सही लग रहा है। और दुनिया भर के रास्ते हैं, हर जगह बंदे दिख रहे हैं मेरे को। ये देखो धीरे धीरे ऐसे लाइट आती है सब। अब दुनिया भर के रास्ते बना रखे भाई, खो गया मैं। ये रास्ता ही है। आई एम लिटरली लॉस्ट। व्हाट द फक, कहाँ जाना मुझे? क्या ये रास्ता है? नो आइडिया कहाँ जा रहा हूँ मैं। फिर से पानी वाला एरिया आ गया। ये ऊपर करने के लिए बहुत ओ ये गर्म है तो, और दूध लग रहा है। वो डिस्को लाइट, हेलो, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। फिशेज हैं ये, आई मीन ऑब्वियसली रियल वाली नहीं। पूरी मैजिकल दुनिया लग रही है। नाइस, बहुत देख ली मैजिकल दुनिया। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि अगर इस वाटर में जो ये पानी है पूरा, इसमें फोन गिर जाता तो कैसे मिलता अंदर। अभी हम जा रहे हैं लास्ट वाली जगह पे, एक और बहुत ब्यूटीफुल जगह है। इसमें क्रिस्टल बॉल्स मिलेंगी उसमें, आई थिंक। वो वेल क्रिस्टल बॉल्स तो नहीं, ये बलून्स भाई। ये देखो क्या जगह है, ये बलून्स हैं, ये बॉल्स हैं, क्या है ये, बॉल्स हैं। हाँ बहुत सही लग रहा है, क्या सही लग रहा है भाई। ये तो बहुत ट्रिपी है भाई, ये तो ऊपर नीचे आगे पीछे सब मिल रहा है। लेट गया अब मैं। वेल तुम्हें इधर से कुछ पता नहीं चलेगा भाई। दिस एरिया वाज टू मच फॉर मी। चक्कर आ रहे हैं मेरे को, मोशन सिकनेस है। वो चक्कर आ गया भाई, मैं तो अभी बाहर आया हूँ वहाँ से। बहुत ही ट्रिपी है वो, माइंड फक हो गया, पसीने भी आ गए, इतना मोशन सिकनेस। ओह गॉड। वो भाई ये भी देखो क्या मैजिकल, वेरी नाइस। कैसी बॉल्स है, पत्थर है, कैन आई टच? अबे ये बलून्स हैं, इसमें एलईडी लगा रखी है वो देखो।
लेकिन ओवरऑल अगर ऊपर से देखो तो क्या सही लग रहा है ये। और ये इधर मिरर लगा रखा है ताकि ये लाइक इनफिनाइट लगे। ये रहा मैं अंधेरे में। डोंट टच ग्लास बोल रहे हैं ये भाई। ये क्या है वो? अबे भाई ये अभी खुला है। ओए होए क्या सही लग रहा है। हेलो, ये तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। आई मीन मैंने किस चीज को ब्यूटीफुल नहीं बोला अभी तक? उन्होंने बोला डोंट टच ग्लास, लेकिन भाई कौन सा कहाँ है ग्लास? क्या सही लग रहा है ये मिरर का कमाल है। आधा तो मिरर ही मिरर लगा रखे हैं और थोड़े से पौधे लटका दिए, और ये पौधे भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। कितना ट्रिपी है ये सब कुछ। आई लाइक इट। फ्लावर तो सही असली है ना? हाँ रियल फ्लावर्स हैं। डैम, जब भी मैं कहूँ दुनिया भर की खुशबू हो रही है यहाँ। फ्लावर्स के बीच में जा रहा हूँ मैं। बहुत सही लग रहा है ये। मैजिकल दुनिया। जंगल में निकला हुआ हूँ मैं मिशन पे। कौन सी वीडियो गेम खेल रहा हूँ मैं भाई? पता ही नहीं, एंडिंग का ही पता नहीं चल रहा। ओ कोई तो गिर गया। ऊपर भी मिरर लगा रखा है और मैं गोरा इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्राइटनेस बढ़ा रखी है इसकी, ताकि तुम्हें क्लियर दिख सके मेरा चेहरा। Have you already seen the water area? Yes. अबे भाई कहाँ है ये? इतना नीचे कैसे आ गया? What the fuck? सारे रेंग रेंग के जा रहे हैं। उधर से एग्जिट जान लग रहे लोग। ये देखो आई थिंक ये ना इनकी और ब्रांचेस है जहाँ पे दूसरे इफेक्ट्स हैं। ये शंघाई में है। और ये वाला देखो ये भी डिफरेंट है थोड़ा सा। ये फुकुओका में है। और ये वाली जो ब्रांच थी ये यहाँ पे है टोक्यो में। इसका ये एक्सपीरियंस है जो अभी हमने लिया है। हम चल दिए घर की तरफ। और बिल्डिंग्स देखो भाई क्या सही लग रही है। मेरा फ़ोन अब डेड होने वाला है और मैं फंस ना जाऊँ। वैसे तो बस याद कर लिया मैंने मेरे को कहाँ जाना है। ऑल राइट भाई मैं आ चुका हूँ घर। और ये मैं अपने लिए डिनर ले आया थोड़ा सा। ये है याकिसोबा, आई मीन चाउमीन लग रही थी ये, तो मेरे को लग रहा है स्पाइसी होगा इसलिए ले आया मैं उठा के। पेप्सी एंड ये आइसक्रीम, एक थोड़ा डेजर्ट टच के लिए। हेयर वी गो भाई। दुनिया भर की पन्नी पुन्नी और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं ये। इतने पेपर इतनी पॉलीथिन पूछो मत। ये तो भाई ये तो पूरी चौमिन लग रही है। भाई ये तो चौमिन ही है ये। एटलीस्ट चलो ये तो सही निकल गया। अब चलानी आ गई मेरे को ये। अब सही कर ले, सही से पकड़ लेता हूँ इसे।